मैं प्रोफेसर एन सिंह, एकेडमिक काउंसलर सोशल वर्क। आज मुझे सभी हमारे जो सोशल वर्क के छात्र हैं, दूर दराज देश के किसी कोने में हैं, उनको समाज कार्य के एक मौलिक विषय पर अपनी लेक्चर रखने का अवसर मिला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज कार्य एक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, और लेकिन हमारे समाज में देखें तो समाज कार्य की भाव और समाज कार्य का रूप स्वरूप हमारे समाज में बहुत ही, जब से मानव समाज है तभी से, किसी न किसी रूप में देखा जाता रहा है। हम देखते हैं कि जब हम समूह में रहे हैं तो समूह का सहयोग लेते रहे हैं, परिवार में परिवार के सदस्यों का सहयोग लेते रहे हैं, समुदाय में समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेते रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रदेश में देखें, देश में देखें, तो अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में हम लोगों का सहयोग लेते रहे हैं और सहायक बनते भी रहे हैं। तो समाज कार्य की एक बहुत ही पौराणिक परंपरा रही है, लेकिन आज जो है समाज कार्य एक व्यवसायिक रूप में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, और विशेषकर जो सोशल वर्क के जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, जो हमारे राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के माध्यम से बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इस शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जाता है कि समाज के जितने मेन स्टेटा से अलग थलग पड़े हुए समाज के लोग, मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति या किसी प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मनोसामाजिक रूप से विक्षिप्त अक्षम, समाज के जो मुख्य धारा से इतर जीवन जी रहे हैं और समाज के साथ एक अच्छा समायोजित जीवन, सम्मानित जीवन, समाज के लिए उपयोगी और राष्ट्र के लिए लाभकर जीवन जीने में अपने को अक्षम पा रहे हैं, तो समाज कार्य के जो प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता हैं उनको तैयार किया जाता है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से परामर्शदाता के रूप में, गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में, एडवोकेट के रूप में, काउंसलर के रूप में, गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में समाज को विकास की दिशा दशा देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो आज हम देख रहे हैं कि समाज कार्य है, जाना जाता है व्यावसायिक रूप से, और समाज कार्य के छात्रों को जिन चुनौतियों को भेद करने के लिए, भेदने के लिए उनको तैयार किया जाता है, और पौराणिक काल में हम देख रहे हैं कि किसी को यदि हम सहायता का काम करते थे, सेवा का काम करते थे, कल्याण का काम करते थे, धर्म का काम करते थे, और किसी प्रकार यदि हम किसी दिव्यांग व्यक्ति को रास्ता बताते थे, एक रास्ते से दूसरे सही रास्ते पर उसको ले जाते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, किसी को आर्थिक सहायता दे देते थे या कभी भूखों को खाना देते थे, ज़रूरतमंद को कपड़ा देते थे, तो इस तरह के जो कल्याण की भावना लोगों में थी, धार्मिक भावना से उत्प्रोत लोग जो हमारे समाज में सहायता करते थे, लोगों का देखरेख करते थे, तो यह एक पौराणिक सोच था, ऐतिहासिक सोच था कि समाज के लोगों को
क्योंकि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मुँह है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि मनुष्य वही होता है कि जो मनुष्य के लिए अपना जीवन जो है देता है, और जीवन पर्यंत जो है मनुष्य के जरूरतमंद के रूप में जो है अपने को स्थापित करता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। जैसे कि हम समाज में एक दूसरे से हमें मिला है और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख करके पा करके हम व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक, सामाजिक रूप से समायोजित और राष्ट्रीय रूप से उपयोगी जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से हमारे मानव धर्म कहता है कि समाज के जरूरतमंद, समाज के अक्षम और समाज के जो निराश्रित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मुख्य धारा से जो अलग पड़े हुए हैं, उनकी सहायता करना। यह बहुत सारी हमारी समाज में भ्रांतियां रही है। जैसे समाज सुधार को कुछ लोग भी समाज कार्य कहते हैं, सामाजिक सेवा को भी कुछ लोग समाज कार्य समझते हैं, इसी प्रकार समाज कल्याण को भी कुछ लोग जो है समाज कार्य समझते हैं। लेकिन सब की अलग अलग अवधारणा है और सबकी अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं और सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। तो इन सब भ्रांतियों से इतर मैं आज अपने छात्रों को समाज कार्य की जो ग्लोबल डेफिनेशन है, जो कहा जाए कि सार्वभौमिक रूप से केवल भारतीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो स्वीकृत परिभाषा है, उसका सहायता लेकर के मैं समाज कार्य की परिभाषा को जो है रखना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे परिभाषाएं आप देखे होंगे समाज कार्य की, तो उसमें कुछ परिभाषा में समाज कार्य के उद्देश्य को ध्यान में रख करके परिभाषित किया गया है, कुछ परिभाषा में हम देखते हैं तो समाज कार्य के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए परिभाषित किया गया है, इसी तरह से हम देखते हैं कुछ परिभाषाओं में तो समाज कार्य के क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए समाज कार्य को परिभाषित किया गया है। लेकिन मैं जो ग्लोबल डेफिनेशन सोशल वर्क का, जो ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क आपको उसके माध्यम से समाज कार्य को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ, यह एक ऐसी परिभाषा है जो समाज कार्य के सभी पक्षों को, समाज कार्य के सभी आयामों को, कहा जाए यह अपने आप पे एक पूर्ण, एक संपूर्ण परिभाषा है और जिसमें कोई भी पक्ष छूटा नहीं है। यदि हम इन परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए समाज कार्य को समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि समाज कार्य क्या है और समाज कार्यकर्ता कौन होगा, समाज कार्यकर्ता के सामने कौन कौन सी जो है जिम्मेदारियाँ, चुनौतियाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जो कि समाज कार्य के मुद्दे हैं, समाज कार्यकर्ता के मुद्दे हैं, और समाज कार्य की बेसिक प्रिपरेशन क्या है, कैसे तैयार किया गया है समाज कार्य का कोर्स कंटेंट्स। तो जैसे कि हम देखते हैं सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन, तो सोशल वर्क एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, एक कहा जाए कि एक ऐसा व्यवसाय है जो कि जरूरतमंदों को, समस्याग्रस्त लोगों को, विशेषकर मनोसामाजिक समस्या से जो जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं को एड्रेस करने का, उनको ओवरकम करने का एक प्रोफेशन है। जैसे मेडिसिन एक प्रोफेशन है, लॉ एक प्रोफेशन है, और इसके बाद एजुकेशन को भी हम एक प्रोफेशन देखते हैं। तो इसी तरह से समाज कार्य क्या है, एक प्रोफेशन है और प्रोफेशनल जो है यह कार्यक्रम है, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, और जो प्रैक्टिस के बेस पर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी होता है। जैसे हम हॉस्पिटल देखते हैं कि जैसे कोई भी मेडिकल कोर्स चलाना है, मेडिकल काउंसिल यदि परमिशन देती है मेडिकल कोर्स चलाने के लिए, तो सबसे बड़ी ज़रूरत सामने आती है कि वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। तो कहने का मतलब फील्ड होना चाहिए और फील्ड में प्रैक्टिस करने का एक इन्वायरमेंट, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो वह बहुत ही मौलिक है। इसी तरह से लॉ में देखें तो लॉ के लिए कोर्ट, कोर्ट का और उसका जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि आगे
ला के प्रोफेशनल्स को जा करके जिस क्षेत्र में अपने जो है लीगल जो है इश्यूज़ को जो है देखना है, एड्रेस करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन, तो एक ऐसा यह प्रोफेशनल कोर्स है जो कि प्रैक्टिस के आधार पर जो है पढ़ाया जाता है। इसका शिक्षण प्रशिक्षण प्रैक्टिस के आधार पर और सोशल वर्क के सोशल वर्करों को, सोशल वर्क के छात्रों को प्रैक्टिस के आधार पर तैयार किया जाता है, प्रैक्टिस के बेस पर तैयार किया जाता है। और प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एक तो प्रैक्टिस के बेस पर समाज कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है और दूसरा यह एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है कि जिसकी तैयारी, जिसका शिक्षण प्रशिक्षण जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जो एकेडमिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जो ऑथराइज हैं, जिनको मिला हुआ है, सैंक्शन मिला हुआ है, स्वीकृति मिली हुई है, जो संचालित कर सकते हैं, तो एक तो ऐसे एकेडमिक संस्थाओं द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा समाज कार्य को संचालित किया जाता है, चाहे वह विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो। और इसके जो पाठ्यक्रम है समाज कार्य के, यह विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो विषय के विशेषज्ञ हैं, समाज कार्य के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उनके जो अलग अलग कमेटी है, चाहे आप देखें कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, चाहे एकेडमिक काउंसिल है और स्टाफ काउंसिल है, तो जो एक्सपर्ट्स कमेटी है टीचर्स की समाज कार्य विषय की, उनके द्वारा जो है स्वीकृत है, उनके द्वारा अप्रूव्ड है। और इसके जैसे और विषय के पाठ्यक्रम हैं, उन विषयों से अलग इसके प्रैक्टिस के लिए जो है फील्ड वर्क, जैसे आप देखेंगे कि प्रैक्टिस के रूप में फील्ड वर्क प्रोग्राम लिए हुए हैं, हम फील्ड जो है आइडेंटिफाई करते हैं और उस फील्ड में बच्चों को सोशल वर्क प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड में भेजते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में हम थ्राइस ए वीक भेजते हैं, मतलब हफ्ते में तीन दिन क्लास और 3 दिन प्रैक्टिस होता है। कुछ विश्वविद्यालय में हम 2 दिन भेजते हैं फील्ड में और इसके बाद 4 दिन क्लास चलता है। और डिस्टेंस मोड्स के जो छात्र हैं उनको हम लोग अपने पाठ्यक्रम के दौरान गाइड अलग से नियुक्त करके, काउंसलर नियुक्त करके, काउंसलर के देखरेख में वह अपने फील्ड वर्क को जो है कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनको लेसन प्लान दिए गए हैं, उस लेसन प्लान को पढ़ करके, समझ करके और सारे जो लेसन प्लान दिए गए हैं वह सब एकेडमिक बॉडी से अप्रूव्ड हैं। और बड़े अच्छे जो विषय के एक्सपर्ट एकेडमिशियन हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो यह एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, इसको कोई विद्यालय या कहा जाए जो गवर्नमेंट से स्वीकृत नहीं है, UGC से अप्रूव्ड नहीं है और कहा जाए कि बिना पढ़े लिखे लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, तो एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है दैट प्रमोट सोशल चेंज। ऐसे लोगों को किस लिए तैयार किया जाता है, वो क्या करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, सोशल चेंज। सोशल चेंज का अर्थ है यहाँ कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है और व्यक्ति अपने संस्कार संस्कृति में जो परिवर्तन लाता है, अपने सोच में, अपने निर्णय में, अपने कार्य में और विशेषकर जो सामाजिक सरोकार की मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं, उस सामाजिक सरोकार के विषय में परिवर्तन लाता है। और कैसा परिवर्तन, जो अपेक्षित परिवर्तन, जो समाज में समरसता, समाज में विकास, समाज में न्याय और समाज में डेमोक्रेसी को जो है बढ़ाता है। तो ऐसे परिवर्तन जो समाज कार्य के प्रोफेशनल तैयार किए जाते हैं वो क्या करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, और सोशल
क्या प्रमोट करता है, सोशल चेंज। जैसे जो पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन, जो कि सबको न्याय दे, सबको मौका दे आगे बढ़ने का, और सबको मान सम्मान दे, और सब लोग बिना दबाव के आगे बढ़ें, अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ें, एंड डेवलपमेंट, चेंज के लिए तैयार किए जाते हैं और डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चेंज इन डिजायर डायरेक्शन। तो जो अपेक्षित दिशा है, जो दिशा ऑलरेडी स्पेल्ड आउट है, जो दिशा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फाइनलाइज्ड है, जो कि विकास की दिशा है, तो यह जो प्रोफेशन हमारा है वह सोशल चेंज और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है, आपस में प्रेम संबंध, भाईचारा, मेल मिलाप, एक संगठित और कहा जाए कि इंटर डिपेंडेंसी की बात करता है, आपस में प्रेम भाव, सहयोग, सहकारिता को प्रमोट करता है, एंड एम्पावरमेंट, और लोगों को हर उनके विकास के क्षेत्र में एम्पावर करता है। कैसे एम्पावर करता है, जो शैक्षणिक रूप से निर्णय लेने में असमर्थ है, अक्षम है, उसको शैक्षणिक रूप से एम्पावर करता है सोशल वर्क, सोशल वर्कर, कि जैसे शैक्षणिक निर्णय सही निर्णय हो सके, शैक्षणिक विषय में उपयुक्त निर्णय लिया जा सके, इसी तरह से आर्थिक एम्पावरमेंट में अपनी आर्थिक विकास के लिए सही व्यवसाय चुन सके, सही कैरियर चुन सके, और सही ढंग से अपने आर्थिक व्यवस्था को संपन्न कर सके, तो अपने इनकम एक्सपेंडिचर को सही दिशा दशा दे सके। और इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित, एक कहा जाए कि स्वस्थ और समस्या मुक्त जीवन जी सके, साथ साथ अपने विकास के लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, जो जितने भी संबंधित, उससे संबंधित अलग अलग भूमिका में उसकी रोल है, उसका अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति की जो भूमिका है, उस भूमिका का सही निर्वहन कर सके, तो इस तरह का एम्पावरमेंट करता है। और लिबरेशन एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, लोगों को बंधन मुक्त, जैसे एक्सप्लॉयटेशन मुक्त, दबाव मुक्त, लोगों को कहा जाए कि किसी बंधन में बधुआ मजदूर के रूप में, बाल मजदूर के रूप में, या किसी प्रकार के दबाव में रख करके जो जीवन जीना पड़ता है, तो यह सोशल वर्क प्रयास करता है कि लोग जो है, लोगों को अपने जो साथ के लोग हैं, जो अपने समुदाय के लोग हैं, जो उनके आसपास लोग हैं, उनको स्वच्छ और खुला और मुक्त जीवन जीने में उनकी जो है मदद करें। तो इस तरह से आप देखें कि सोशल वर्क एक प्रैक्टिस बेस्ड ऐसा प्रोफेशन और एकेडमिक डिसिप्लिन है जो सोशल चेंज को, डेवलपमेंट को, और सोशल कोहेजन और एम्पावरमेंट एंड लिबर्टी ऑफ पीपल को बढ़ावा देता है, लोगों के लिबर्टी को बढ़ावा देता है। और वह यह कैसे बढ़ावा देता है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय परख हो। ऐसा परिवर्तन, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो कि सामाजिक न्याय पर आधारित हो, न्याय परख हो, और ह्यूमन राइट्स को बेस मानता हो, आधारित हो, ह्यूमन राइट्स को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई भी वर्ग हो जिसके कि उसके राइट्स, चाहे महिला हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, और चाहे कहा जाए कि अच्छे घर में रह रहा हो, चाहे आर्थिक
से सामाजिक रूप से विकसित हो या विकास समाज हो, तो सबके जो है राइट्स को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक न्याय पर, मानवाधिकार पर और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी पर, सामूहिक जिम्मेदारी पर। ये नहीं कि एक व्यक्ति सारी जिम्मेदारी को लेकर चले। जैसे परिवार में बच्चे का देखते हैं कि बच्चे का विकास, बच्चे का देखरेख कैसे संभव है, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा, बड़ा बूढ़ा और कहा जाए बीच के उम्र के सभी लोग मिलजुल करके बच्चे के परवरिश, बच्चे के व्यक्तित्व विकास में, सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कहीं कोई व्यक्ति समस्याग्रस्त है, जरूरतमंद है, तो उसके लिए कलेक्टिव सामूहिक रिस्पांसिबिलिटी, सामुदायिक रिस्पांसिबिलिटी, पारिवारिक रिस्पांसिबिलिटी, तो इसको प्रमोट करता, इस सिद्धांत के आधार पर जो है यह चेंज इन सबको बढ़ावा देता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आर द सेंट्रल टू सोशल वर्क। और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जैसे हम अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग रिलीजन के हैं और अलग उम्र के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, तो इन सब जो कहा जाए कि जो हमारे डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, हमारी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है, उनको बिना डिस्टर्ब किए, तो जो है स्थिति उसको यथा स्थिति बनाते हुए और उसको एटीट्यूड स्वीकार करते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे, बिना किसी वर्ग को, बिना किसी व्यक्ति को, बिना किसी क्षेत्रवासी को कंडेम किए, क्रिटिसाइज किए, सबको बढ़ावा देना है। तो ये सेंट्रल जो है थीम है इसका, अंडर पायनियर्ड बाय थियरीज ऑफ सोशल वर्क। अब ये सारी चीजें जो किस पर आधारित है, अंडर पायनियर्ड बाय थियरी ऑफ सोशल वर्क, थियरीज ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क की थियरी, जैसे आप पढ़े होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी, डायग्नोस्टिक थियरी, सोशल थियरी, तो इस तरह के रेडिकल थियरी, तो इस तरह के बहुत सारे थियरीज जो हमारे सोशल वर्क में है उनको बेस मान करके हम इस तरह का सामाजिक परिवर्तन, विकास, सोशल कोहेजन, एम्पावरमेंट और इन सिद्धांतों, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के आधार पर, तो सोशल वर्क की थियरी, केवल सोशल वर्क की थियरी को बेस मान करके हम नहीं ये सब प्रैक्टिस करते हैं, तैयार करते हैं सोशल वर्कर को, बल्कि सोशल साइंस के, चाहे कुछ इकोनॉमिक्स के थियरी, समाजशास्त्र के थियरी, तो साइकोलॉजी के थियरी, तो सोशल साइंस के थियरी, सोशल वर्क के थियरी और ह्यूमैनिटीज के थियरी, जैसे मान लीजिए हिंदी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, संस्कृत के हो गए, तो इस तरह के, एंड इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज मतलब लोकल नॉलेज, उस क्षेत्र की, उस क्षेत्र की जो स्थिति परिस्थिति, उस क्षेत्र का जो इन्वायरमेंट है, उस क्षेत्र का जो परिदृश्य है, तो वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो रीति है, वहाँ की रिसोर्सेज हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम सारे सिद्धांतों का, और इसके बाद जो सोशल वर्कर हम तैयार करते हैं और सोशल वर्कर से जो अपेक्षा किया जाता है, सोशल चेंज, डेवलपमेंट, कोहेजन, एम्पावरमेंट, लिबर्टी ऑफ पीपल, तो इसमें देखें कि सोशल वर्क की थियरी का सहयोग लेके, सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटीज का और इंडिजिनस नॉलेज, जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम इग्नोर नहीं करते, ले करके सोशल वर्क इंगेजेस पीपल एंड स्ट्रक्चर्स टू एड्रेस चैलेंजेज एंड इन्हांस वेलबींग।
अब इन सबको लेकर के सोशल वर्क क्या करता है, इंगेजेज पीपल एंड। तो हमारे समाज में जो लोग हैं सबको साथ में लेकर के एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की जिम्मेदारी को एहसास दिलाते हुए और उनको जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उनको स्किल और उन्हें उस चीज़ का महत्ता विकसित करते हुए और जो हमारे जीवन का स्ट्रक्चर है, जो हमारी कहा जाए समुदाय है, जो हमारा परिवार है और जो हमारा समाज है, राज्य है, इन सब जो हमारी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इन सब के सहयोग से लोगों का सहयोग और स्ट्रक्चर का, जैसे परिवार का है तो परिवार का सहयोग, समुदाय है समुदाय और उसके संसाधनों का, परिवार है परिवार और उसके संसाधनों का सहयोग लेते हुए, राज्य है राज्य के संसाधनों का, एनजीओ है एनजीओ के संसाधनों का सहयोग लेते हुए हम क्या करते हैं, टू एड्रेस द लाइफ चैलेंजेज, जो लोगों के जीवन में चुनौतियां हैं उनको जो है एड्रेस करने की कैपेसिटी भरते हैं, और इन्हांस वेलबींग और सब लोगों में अच्छाई, सब लोगों में खुशी, सब लोगों में संपन्नता, सब लोगों में विकास, सब लोगों में सौहार्द और सब लोगों में हंसी खुशी विकसित करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे जो सरकार बहुत सारे पौराणिक जो सोच थी, जैसे समाज सेवा, समाज कल्याण, समाज सुधार, तो हम देखते हैं कि समाज कार्य एक जो है प्रोफेशनल सर्विस है, और जो कि जिसमें कहा जाए एकेडमिक डिसिप्लिन, तो बिना सोशल वर्क की डिग्री रखे हुए, बिना डिग्री के और बिना सोशल वर्क के शिक्षण और प्रशिक्षण के, तो सोशल वर्क काम व्यक्ति से संभव नहीं है। तो इसलिए सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट और जस्टिस और सारी जो जिसका मैंने चर्चा किया अभी, इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए समाज कार्य वही कर सकता है जिसके पास समाज कार्य का शिक्षण प्रशिक्षण हो और समाज कार्य को अच्छे ढंग से किया हो और समाज को समझा हो, उसके फील्ड क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट और सारे जो थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, अप्रोचेज हैं, मॉडल्स हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज कार्य जो है आज वह कार्य नहीं रह गया जो कि हम इस विषय को न पढ़ने वाले लोगों से अपेक्षा करते थे, और तब के समय में समाज कार्य का लक्ष्य कुछ और था, समाज सेवा का था, समाज कल्याण का था। लेकिन अब जो जैसा हमने बताया कि सामाजिक परिवर्तन, विकास, सोशल कोहेजन, एम्पावरमेंट, लिबरेशन ऑफ पीपल, तो ये सब सारी चीज़ें कौन कर सकता है जो उस विषय को पढ़ा हो और प्रैक्टिस किया हो। वही व्यक्ति समाज कार्य के मुद्दों को भी समझ सकता है, समाज कि जो विकास और परिवर्तन संबंधित, कोहेजन संबंधित, जस्टिस संबंधित जो मुद्दे हैं उसका अध्ययन कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है और इसके बाद इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक्शन प्लान समाज के द्वारा, समाज के साथ और समाज के लिए फाइनलाइज कर सकता है, और फाइनलाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिस में भी ला सकता है।
जिससे कि समाज में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक कोहेजन और सामाजिक न्याय और लिबर्टी आत्मसात हो सके, दिखाई दे सके और समाज का कहा जाए कि सर्वांगीण विकास जो है हो सके। तो इस तरह से समाज कार्य, जैसा कि मैं बताया कि एक व्यवसायिक सेवा है और जो कि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है और इसकी पढ़ाई क्लास और डिस्टेंस मोड के साथ साथ फील्ड की ट्रेनिंग, फील्ड वर्क के रूप में जो है दिया जाता है, फील्ड में बच्चों को भेजा जाता है और समाज में जो सोशल वर्क के मुद्दे हैं उनके साथ जो है काम करने का और समाज कार्य के जितने सिद्धांत हैं, जितने मेथड हैं, अप्रोचेज हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनमें प्रैक्टिसिंग स्किल्स जो है बढ़ती है और इस प्रैक्टिसिंग स्किल को डेवलप करके जब समाज कार्य के छात्र अपनी शिक्षण प्रशिक्षण पूरा करके जब समाज में अलग अलग भूमिकाओं में आते हैं तो समाज की समस्याओं को एड्रेस करने में सफल होते हैं, कारगर भूमिका निभाते हैं और इसके बाद समाज को विकास की दिशा देने में अग्रसर रहते हैं। तो इस तरह से मैं आज समाज कार्य की परिभाषा तक मैं आज का अपना लेक्चर इसी पर समाप्त करता हूं। इसके बाद अगले सत्र में मैं समाज कार्य की विशेषताएं और समाज कार्य की जो है मेथड्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप समाज कार्य को समझ सके होंगे कि जब तक समाज कार्य के सभी आयामों पर आप दृष्टिगत नहीं रखते हैं, सभी आयामों को अपने परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते हैं तो वह समाज कार्य की सही परिभाषा नहीं हो सकती है। तो आशा है कि आप समाज कार्य की परिभाषा समझ चुके होंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।